नमस्कार साथियों, जय हिंद। हो चुका है रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी। साथियों, आप सभी को पता है कि बीएसटीसी का एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है और बीएसटीसी की एग्जाम डेट आपके लिए आ चुकी है और वो एग्जाम डेट आप सभी को पता है 28 अगस्त 2023। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब 28 अगस्त 2023 है और अपने को इस मुकाम हासिल करना है, वो मुकाम हासिल करना है अपने को जिसके अंदर 32 दिन के अंदर अपनी संपूर्ण तैयारी हो सके और जितने बच्चे पढ़ लिए हैं उन बच्चों के एक बार कंप्लीट क्लास रिवीजन हो सके। दोस्तों, जैसे 2022 के अंदर देव क्लासेज ने इतिहास रचा था कि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर टॉप आए थे देव क्लासेज के बच्चे छात्र छात्राएं, और हमारा वादा है कि 2023 के अंदर आपकी बार दो नहीं 10-10 बच्चे अगर राजस्थान टॉप करें तो बात कुछ अलग है। तो दोस्तों, इसी एग्जाम को देखते हुए मैं, आप सभी को पता है कि रीजनिंग का वेटेज पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं और पूरे 50 क्वेश्चन आपके आते हैं 150 नंबर के, और उस 150 नंबर को हल करने के लिए, उन 150 नंबर को क्लियर करने के लिए और उन 150 नंबर को 100% लाने के लिए आपके लिए मैं लेके आया हूं महामैराथन क्लास। और महामैराथन क्लास के अंदर दोस्तों, यदि आप अपने मम्मी पापा के सपने को और आप अपने सपने को यदि साकार करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उस माँ को कह देना एक दिन कि जिस दिन आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएगी कि माँ जी तेरी तस्दीक के तलबदार बहुत है, कि माँ जी तेरी तस्दीक के तलबदार बहुत है, उस पार कुछ और है, उस पार कुछ और है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, वह पत्थर के खरीदार बहुत है, पत्थर के खरीदार बहुत है। कि छतुआ टपक रही है जिसके नीचे सोता हूं, दोस्तों सावन का महीना है और छतवे घर की टपक रही है। कि छतवे घर की टपक रही है जिसके नीचे सोता हूं, जब हुआ हूं मैं मेरिट से बाहर, मेरे से ज्यादा रोते हैं, मेरे से ज्यादा रोते हैं। सबर का मैं अब बांध न टूटे गला किस्मत का घोटूंगा, कि सबर का मैं अब बांध न टूटे गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीनों की बात है बन डीएसपी लौटूंगा, बन डीएसपी लौटूंगा। उस माँ के और उस पिताजी के, उस छोटी बहन के और अपने परिवार वालों का सपना साकार करने के लिए दोस्तों आपको लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपका एग्जाम बीएसटीसी का एग्जाम बिल्कुल पास में है और इसी एग्जाम को मैं देखते हुए आपके लिए संपूर्ण कोर्स एक ही दिन में, एक ही क्लास में। दोस्तों, जब मैं जाग सकता हूं तो आप क्यों नहीं जाग सकते हैं, और जब आप जग गए, मैं जग गया तो पूरा इतिहास रच के बता देंगे। और दावा करता हूं मैं आपसे कि पूरे 150 के 150 क्वेश्चन आप सही करेंगे, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सही करेंगे और पूरे 150 के 150 नंबर आप उसके अंदर लेके आएंगे। इतना मैं दावा आपसे कहता हूं कि एक बार पढ़ लिया, क्योंकि दोस्तों आपने पास में अभी 30 दिन या 32 दिन शेष है, और यदि इसी क्लास को सारी रात पढ़ के और एक दो बार और पढ़ लेंगे तो मैं आपको कहना देना चाहता हूं कि एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आपकी वीक हो सकती है, पूरी रीजनिंग का आप स्टोर कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें रहने वाले कल की महत्वपूर्ण क्लास जो आपकी चलेगी शाम पांच बजे से जब तक भगवान की इच्छा होगी, जब तक अपनी क्लास चलेगी, इसका मतलब कम से कम मैं 10 से 11 घंटे लेने वाला हूं। मैं मेरे बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं। जब सेनापति अपने बच्चों के लिए अगर कुछ इच्छाएं रखता है तो दोस्तों आपको पता है आप मेरे एक परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार के सदस्य को मैं आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। देव क्लासेस हमेशा आपके लिए समर्पित रहा है, छात्र हित में समर्पित रहा है। तो दोस्तों, वो टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं याद रखना, कल आप शाम 5 बजे से लगातार मेरे साथ में जुड़े रहें और अपना नेट बचा के रखें। और यदि आज का जो क्लास आपको लगी कि हाँ सर ऐसी क्लास लेना चाहिए, तो आप एक बार कमेंट जरूर बताइए, और आपको कोई टॉपिक भी अगर छूट गया हो उसका भी कमेंट। दोस्तों, रहने वाले कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक का क्या क्या वेटेज रहने वाला है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपकी बीएसटीसी की महामैराथन क्लास रहेगी वो आपकी बीएसटीसी के अंदर 26 जुलाई शाम 5 बजे से, यानी कल बुधवार, और गणेश जी का नाम लेके अपन इसकी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। 26 जुलाई शाम 5 बजे से
महा मैराथन क्लास लेने वाली है रीजनिंग की और टोटल 150 नंबर दिलाने वाली क्लास है सर। टोटल 150 नंबर दिलाएंगे। इसमें टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं देखिए दोस्तों, इसके जो टॉपिक रहने वाले हैं, पहला टॉपिक आपका रहेगा वर्णमाला परीक्षण, यानी आपका जो वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला से संबंधित, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो टॉपिक होते हैं वर्णमाला से संबंधित टॉपिक रहने वाला है। दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग, आपको पता है हर एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, कोडिंग डिकोडिंग आपका दूसरा टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग वर्णमाला सदृश्यता वर्गीकरण ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद मैंने उठाया आपका दिशा डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन का आपका क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके एक से दो क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के अंदर पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है इतना मैं दावा करता हूं। तीसरा क्रम परीक्षण स्थान वाला, बाएं से इधर किसक जाए, दाएं से इधर किसक जाए, क्रम परीक्षण वाला आपका टॉपिक रहने वाला है। बैठक व्यवस्था आपकी रहने वाली है, वेन आरेख आपका रहने वाला है। उसके बाद में तार्किक वेन आरेख आपका रहने वाला है, संख्याओं से संबंधित, और पासा और घन, घन भी है और पासा भी है, दोनों चित्र अलग अलग है, वो भी रहने वाला है। घन एवं घना, घन एवं घना भी इसके अंदर रहने वाला है, और विलुप्त संख्याएं, लुप्त संख्याएं आपकी इसके अंदर रहने वाली है। दोस्तों आगे चलते हैं, श्रृंखला परीक्षण 2, 4, 6, 8 आगे वाला स्थान क्या आएगा ये भी आपके सामने आने वाला है। रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, खूनी रिश्ते ब्लड रिलेशन ये भी आपके सामने रहने वाला है। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं बोर्ड मास का नियम पर आधारित जो आपका टॉपिक आते हैं वो भी आपके सामने मैं करवाने वाला हूं। कैलेंडर परीक्षण, कैलेंडर का जो पार्ट दुनिया को कठिन लगता है वो भी आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। अब उसके बाद में घड़ी परीक्षण, और ये आपका घड़ी परीक्षण रहने वाला है, और ये आपका अवयव, संख्या अवयव, संख्या अवयव भी रहने वाला है। न्याय निगमन कथन निष्कर्ष वो भी आपका टॉपिक करवाने वाला हूं। उसके बाद में कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं मान्यताएं भी आपका टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। कथन एवं तर्क भी आपका होने वाला है। कारण एवं कार्य, कारण एवं कार्य दोस्तों ये आपका टोटल पीएचटीसी के टॉपिक मैंने उठाया 21 से 22 टॉपिक दोस्तों, इससे कोई बार नहीं है। और आपको पता है कि मैंने उठाया है तो जानबूझकर उठाया है कि बच्चों के एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, और मैं दावा करता हूं पूरी बच्चों के 150 में से 150 नंबर आने चाहिए अगर इस क्लास को आपने पूरी देख लिया, और यदि अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करना है दोस्तों तो आपको देखना पड़ेगा और देखकर अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। और यदि आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो मैं आपसे दावा कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, मेहनत आप लगाएंगे, कंधे से कंधे अगर मिला के मेहनत करते हो तो दोस्तों आपका मुकाम हासिल होगा। कि नदियां पार की पर्वत पार किया अभी आसमान बाकी है, कि नदियां पार की पर्वत पार किया अभी आसमान बाकी है। चिड़िया की तो उड़ान देखी होगी लेकिन दोस्तों आपकी उड़ान अभी बाकी है, आपकी उड़ान बाकी है। तो दोस्तों इसी तर्ज पे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कल बुधवार शाम 5 बजे से जब तक भगवान का आशीर्वाद रहेगा जब तक आपकी क्लास रहने वाली है। और यदि आपके सपने को साकार कर रहे हो तो दोस्तों बैठने से कुछ पार नहीं पड़ने वाली है, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कंधे से कंधे मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। कि क्यों जमीन पे बैठकर क्यों आसमान को देखती है, कि क्यों जमीन पे बैठकर आसमान को देखती है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। कि क्यों जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखती है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है, हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तेरे को सारा जहान देखता है, तेरे को सारा जहान देखता है। दोस्तों आप तैयार रहें और आपका मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा कल शाम 5 बजे आप इसी लाइव सेशन के माध्यम से, देव कॉम्पिटिशन क्लासेस के माध्यम से जुड़े रहिए, और लगातार मैं मेहनत करूंगा और अपन बीएचटीसी के मुकाम को हासिल कर पाएंगे आगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार कि आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे कल शाम 5 बजे से, आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत, राम राम।